फाइनली दोस्तों BSA की गोल्ड स्टार 650 जो है कल लॉन्च हो रही है, मतलब 15 अगस्त को ये लॉन्च हो रही है। एंड जावा ने अपनी बाइक्स में जो है दोस्तों वो प्राइस कट डाउन भी कर दिया है, अप टू 17,000 का प्राइस कट डाउन जो है एक्स शोरूम प्राइस पे कर दिया गया है। उस पर भी बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं BSA गोल्ड स्टार के बारे में। गोल्ड स्टार 650 CC का बहुत टाइम से वेट किया जा रहा है, एंड जब भी कोई बाइक जावा या दूसरी कोई भी बाइक जो रॉयल एनफील्ड के सामने उतरती है ना, तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड बहुत ही सैवेज स्टेप जो है डेफिनेटली लेता है। वो हमेशा एक लॉन्च ला देता है, नहीं तो कुछ ना कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन ला देता है ताकि दूसरी कंपनीज की जो लॉन्च है ना वो थोड़ी सी दब जाए। अभी रिसेंटली आपने देखा कि 15 अगस्त का लॉन्च जो है बहुत पहले से अपडेट आ गया था कि BSA लॉन्च होने वाली है, तो क्लासिक का जो है नया कलर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है। धूमधाम से इतने सारे ऑफर दे दिए गए, इतने सारे चेंजेस दे दिए गए कि लोगों के आँख खुले खुले रह गए। तो सेम इस टाइम भी ऐसे ही किया गया, एंड ये चीज़ें जो है रॉयल एनफील्ड थोड़ा सा कॉम्पिटिशन को अच्छा टक्कर देने के लिए जो है कर रही है। अब BSA गोल्ड स्टार का टक्कर जो है दोस्तों वो रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 CC के साथ में है। अब इंटरसेप्टर का भी एक अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है जो कि BR650 CC है, जो कि स्क्रैम्बलर मॉडल है। अब बात करें अगर BSA के बारे में, तो बर्मिंगम स्मॉल आर्म कंपनी जो है इसका नाम है दोस्तों, ये महिंद्रा ग्रुप ने जो है रिसेंटली 2016 में इसको परचेज किया हुआ है, एंड एक नई जान जो है इस कंपनी में दे दी है दोस्तों। जितनी भी जावा ESD या फिर BSA आ रही है वो एक ही शोरूम में आपको अवेलेबल होने वाली है। इस बाइक की अगर बात की जाए दोस्तों फीचर्स के बारे में, तो इंजन जो है मेन है दोस्तों। BSA गोल्ड स्टार में दोस्तों 652 CC का लिक्विड कूल इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन जो है वो आने वाला है। 45 BHP का पावर प्रोड्यूस करेगा 6,000 RPM पे, 55 Nm का टॉर्क मिलने वाला है 4,000 RPM, मतलब लो RPM पे जो है अच्छा टॉर्क जो है वो आपको मिल जाएगा। एंड दोस्तों ये क्लियरली कंपटीशन है इंटरसेप्टर से, तो इंटरसेप्टर के यूजर्स जो GT 650 के यूजर्स हैं वो दोस्तों एक नया ऑप्शन जो है डेफिनेटली क्रिएट हो रहा है मार्केट में। बट ये ऑप्शन टोटली क्लासिक और रेट्रो ही चार्म जो है दे रहा है। अगर आप देखेंगे फ्रंट एंड रेयर में, तो दोस्तों स्पोक व्हील्स ही यूज़ किए जा रहे हैं, अच्छे जो है जो डिस्क साइज है वो यूज़ किया जा रहा है। फ्रंट एंड रेयर दोनों में ही डिस्क है, डुअल चैनल ABS जो आपको इसे मिलने वाला है। फ्रंट में 18 इंच का, रेयर में 17 इंच का व्हील है। सिटिंग हाइट बहुत ही ज़्यादा लो रहने वाली है, मतलब अप्रॉक्स 780 mm के आसपास जो है रहने वाली है। 12 लीटर्स का टैंक जो है दिया जा रहा है। राउंड इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मतलब एनालॉग जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। मॉडल का लुक देखिए दोस्तों, जावा 42 का जो है पूरा लुक जो है वैसा ही लग रहा है। बट दोस्तों अब कल जो है ये फाइनली लॉन्च हो रही है 15 अगस्त को, और दोस्तों प्राइसिंग जो है वो 3 लाख के आसपास में कहा जा रहा है कि लॉन्च प्राइस थोड़ा लो रखा जाएगा। एंड 3 लाख के आसपास अगर रहा, उससे कम रहा तो डेफिनेटली लोग इसको कंसिडर करेंगे, बट अगर उससे ज़्यादा रहा तो थोड़ा सा रहेगा कि फिर जो है एक तगड़ा कंपटीशन जो मिलने वाला है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वाइब्रेशंस और कुछ और जो है फिंगर पॉइंटिंग्स UK में ऑलरेडी लॉन्च कर दी गए, तो वहाँ पे मिक्स काइंड ऑफ रिव्यूज़ जो है इस पे आ रहे हैं। तो बाइक का मैं डेफिनेटली इंतजार करूंगा, बिकॉज एक अच्छा मार्केट में हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वो होना चाहिए, और अगर कॉम्पिटिशन होता है तो यूजर्स को ही जो है वो बेनिफिट होता है। एंड दोस्तों एक और अपडेट आ रहा है, वो है जावा का। जावा 42 में दोस्तों प्राइजेस जो है वो कट डाउन कर दिए गए हैं, अप टू 17,000 के प्राइजेस जो है कट डाउन कर दिए गए हैं। एंड दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि थोड़ा सा जावा को हल्का स्ट्रगल जो है करना पड़ रहा है सेल्स को लेके, सेल्स नंबर उतने नहीं मिल रहे जितना कि एक्सपेक्टेड किया गया था जावा जो क्लासिक लेजेंडरी बाइक है उनसे। तो जावा ESD दो मॉडल्स हैं, बट उनके सेल्स नंबर जो है उतने नंबर नहीं आ रहे, तो अब जावा जो है थोड़ा प्राइसेस जो है कट डाउन कर रहा है। मैंने कहा जैसे कि कंपटीशन जो है होना जरूरी है, जिससे कि ऐसी चीज़ें जो है यूजर्स को एक बेनिफिट मिल जाता है। It's not a game, it's a